परम प्रेमय सीसी ठाकुर मोर जगत जननी सीसी लक्ष्मीमा परम पूज्यपाद सीसी बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। परिचालक मोर प्रिय श्री मधुसूदन पाटजोशी दा बंदपाल गुरु भाई मातृमंडली एवं एमसीएल जो भाई माने इठे उपस्थित अछंती समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय हो। ए जो बंदपाल रे आज जो सत्संगति हेछि उत्सव मुख रहिछि ए उत्सव रे बहुत भाई एवं मां माने उपस्थित रही जो उपभोग करूछते तांकर पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो आ जो माने उपस्थित हे पारि नाहंती तांकर भी पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो से माने शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु एहा ही परम पिताक निकट रे प्रार्थना। आज एही बसीथिबा भीतर गोटे कथा मोर मने पड़े से दिन हिरण्यकशिपु तांकर पुत्र को जेतेबेले पचारुछि जे कौन विष्णु बा भगवान जे सबु जगार अछंती कौन ए खंभ भीतर भी अछंती सेतेबेले ताको पुत्र कहि देले प्रत्येक कोण कोण रे अछंती माने प्रत्येक ती जिनिस रे स्वयं विष्णु अछंती एही कथा दे से दिन कहि देले आ सेही कथा को तळी धरी आज सीसी ठाकुर गुरे कथा माने पड़े से दिन जने भक्त सीसी ठाकुर को पाखो को आसी छि ए जो से कथा उपरे अपन को से किछि पुराण शास्त्र उपरे सीसी ठाकुर को किछि कंपेयर करबे काई के जते बेले भी पुरुषोत्तम आसंते से आचरण करिके ना देखै दियंते एठे कोनसी जाति गोत्र धर्म वर्ण विशेष किछि रोहे ना से समस्त को ही भलो पांते ए सृष्टि रो समस्त को निर्जीव वस्तु ठार आरंभ करी से जीवंत मनुष्य पर्यंत से भलो पांते से केबे भी कोनसी पुराण पुथी रे आपण मोहम्मद को कंतु रसूल को कंतु बुद्ध को कंतु जहां के कदे तांके भीतर कोनसी विभेद नाही बा कोनसी धर्मांतर नाही। सीसी ठाकुर को पाखरे आसेकरा मुसलमान माने दीक्षा लेई छथि किंतु धर्मांतरण करि नाहि ठाकुर पचारि छथि से मुसलमान भक्त मान को तुमे जकात ठीक करू छ त नमाज ठीक पढू छ त तापरे भी ठाकुर को धरि के ना चल माने केते सुंदर करबे से कहारि को कोनसी प्रकार हिंसा नाहि एते सुंदर जिंस त सेइ दिन सीसी ठाकुर को पाखु जाय भक्त आसि छथि आ से भक्त जण त ताकर मन भीतर चिंता पड़ी छि जे ठाकुर प्राय समस्त का घर को जानती आ मो घर को ठीक मु ठीक सत्संग करती मो घर को ठीक जदि आसंते ए कथा से भक्त मन रे ताकर जागृत होई छि से जते बे आसी के देखु छथि ठाकुर को पाखरे बहुत भक्त रुंड होई छथि देश विदेश रु सब लोक आसे से निवेदन करि पारिबे मनटी दुख होई जाई छि गोटे बाउंस रो खंभ थाय से बसी के ना कांदु छि जे मु ठीक मोर चिंता करिके ना आसी घर मु ठाकुर को ठीक निवेदन करिबे मो घरे ठीक आसंते आ सत्संग रे उपस्थित रहते मोर एटा इच्छा थिला किंतु मो इच्छा ता पूर्ण हे पारुनी ठाकुर तो अंतर्जामी सब जानी छथि से संगे संग केष्टदा को कहले अरे से बाउंस तले देख ना केरे मोर कांदु छि करे केष्टदा को जदि किए तो मु चिन्हे नि जणे केही भाई जणे कांदु छथि ते जा तक ले नै बिना आसी जा ताकु लेई किना आसी ठाकुर को पाखु ठाकुर को पाखु जेतले आंठु मारी किना से भाई के प्रणाम करछि ठाकुर डायरेक्ट ताकु कहि जंदी अरे तोम रे कोन सत्संग करबु काली से भाई के आखि मुह पड़ि जाई छि कहि ठाकुर मु सुनी थली आपन को विषय समस्त का पाखु जे आपन अंतर जाने किंतु आज मु जीवन चक्षु रे मु देखिले जे मोर मन कथाटा आपन मोर जानि पारिले एई कथाटी जेतले किंतु से भव भई के कांदी छि कांदिला परे ठाकुर कहू जंदी अरे तू जा मु काली तो घर को जेबी ए कथा जे जते बेले से सुनी छी दौड़ी छी जो जो बाटा रे गां पड़ी छी समस्त को कहि के जाई छी जे काली मोह रे सत्संग हो ठाकुर आसीबे तमे समस्त आसीबो आ भोजी भात भी मु करबी आ समस्त आसीबो एमिति दौड़ी दौड़ी गां को जाई छी गां रे समस्त को कहि छी जे काली ठाकुर मोह घर को आसीबे केउठी ठाकुर बसबे कोउठी ठाकुर सजा हबो कोउठी गुरु भाई माने बसबे कोउठी आनंद बजार हबो सब गां रे लोक सहित मिसी किना सब व्यवस्था करले तार दिन संध्या 7टा हे जाई छी ठाकुर आ आसी ना चिंता पड़ी जाइछि खाली सत्ता तो हे गेलै नि ठाकुर तो संध्या बेले आसीबे सत्संग रे कहि जदि कि ठाकुर आसीले नै कहि कि ताको मन भीतर चिंता पड़ी जाइछि एही चिंता करू करू अध समय बिति जाइछि सत्संग रो जाजम आरंभ होइ जाइछि जाजम आरंभ जते बेले हे जाइछि से व्यक्ति जन को मन भीतर राग सृष्टि हे जाइछि राग एही दिबे सृष्टि हे जे ठाकुर मो पई गो बिटवीन कले कथा दे कथा रखले नै एटा कोन ठाकुर एटा ता मन भीतर क्रोध जागृत हे जाइछि जागृत हला समय रे सेई समय रे कोनै जे सामना ठाकुर को जेंति धूप लागि जे ठाकुर को फोटो पाखरे पे धूप लागि से धूपटा ठाकुर को फोटो रे लागि जाई छी आ ठाकुर को से गोड़ पासन कहियेटा जळी जाई छी ऋतिक दादा माने सामना रे थिले सांगे सांगे फोटो टी खुलि भेइ देले
ଲିଭେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ତ ଠାକୁର ଆସିଲେ ନାହିଁ ମୋ ଘରକୁ, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏସବୁ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା, ତା ମନଟି ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୀତି ଦେଲାମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାହିଁକି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ, ଠାକୁର ଆସିଲେନି। ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଆଉ ବୁଝିପାରିନି, ରାତିରେ ତା ନିଦ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିଛି କାଲି ଯିବି ପାବନା ହିମାୟତକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବି, ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଯାଇଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା କରିକରି ରାତିରେ ତା ନିଦ ହେଇନି, ସକାଳ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଦୌଡ଼ିଛି ପାବନା ହିମାୟତକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠାକୁର ଯୋଉଠି ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ ବସିନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଠାକୁର ତ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ବସନ୍ତି, କାହିଁ ଆଜି ବସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ନାଇଁ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଠାକୁର ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଫୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଡାକ୍ତରଟା ଆସିଲେ, ଡାକ୍ତରଟା ଆସି ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକିନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଠାକୁର ଏଇନା ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବେନି। ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆସୁ ଧରିଗଲା, କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯାଇଥିଲା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋ ଫଟୋରେ ତ କାଲି ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ରୀତି ଦେବାମାନେ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ମନେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତା ଆଖିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ମୁଁ ଏଇନା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ଭାବି ସେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲା ତାକୁ ଧସେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମକୁ ବସିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମରେ ବସିକିନା ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିକିନା ସେ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଗଲାବେଳକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ତୁ କାଲି ପୁଣି ଦେଲୁ, ତୁ ଟିକେ ଧୂପଟା ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଆହୁରି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଶରୀର ନହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ, କଣ କଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ସବ କରୁଛେ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ଦେଉଛେ ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଏବଂ ପାଣି ଦେଉଛେ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଘରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିଟା ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପାଣିଟିକୁ ଗଛରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 90% ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ସେଇଦିନ ମାଇତିଦା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି ମାଇତିଦାଙ୍କର, ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଯେଉଁ ଜାତ ହେଇଛି ମାଇତିଦାଙ୍କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପଣ୍ଡିତ ଦା ଆଉ ଜାତକ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଇତିଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଆପଣ ଜାତ କାହିଁକି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କିଙ୍କା ପାଣ୍ଡେ ଦା, ପଣ୍ଡିତ ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଝିଅର ଗଣ୍ଡବଶ ଅଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଜାତକଟା କାହିଁକି ତିଆରି କରିବି? ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାଇତିଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆହୁରି 2 ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିଛି, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର 3 ମାସରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଅଛି, ତାର ଗଣ୍ଡଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ମୋ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଆସିନି ଯେ ଜାତକଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ମାଇତିଦା ପାଣ୍ଡେଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁକିଙ୍କର ପାଣ୍ଡେଦା ପଣ୍ଡିତାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରହ ପୂଜା କର ବା ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ଭଲ କର୍ମ ଥାଏ ତାହେଲେ 6-9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମାଇତିଦା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଆପଣ ମୋତେ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତା କହିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଇତିଦା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁକିଙ୍କା ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାତକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ଗଣ୍ଡଦୋଷ ଅଛି, 3 ମାସ ମାତ୍ର ତାର ଆୟୁକାଳ। ଯଦି କିଛି ବାପା ମାନଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ଥାଏ ବା କିଛି ଗ୍ରହ ପୂଜା କରାଯାଏ, ହାର୍ଡଲି 9 ମାସ ବଞ୍ଚିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଠ ଶିଶି ବଡ଼ଦା କଲେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଉଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାମିଚେ ଚାମିଚେ ଖୁଆ, 9 ମାସ ପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ ଏବଂ ପାଣିଟି ଯେଉଁ ପିଉଥିଲେ ସେ ପାଣିଟିକୁ ସେ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ପିଏଲେ, 9 ମାସ ବିତିଗଲା। 9 ମାସ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି ମାଇତିଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଠ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମୋ ଝିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମାସ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ, 10 ମାସ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବ, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଝିଅର 7 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, 8 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି।
वर्तमान कौन करिवे पचास छथि माइजीरा परंतु जपान सिसि बड़दा बड़दा कहउछथि कि तुमे याकु जीवन सारा पियौथा 12 वर्ष वयस जेतेले झियटी रहै थाय परंतु जपान सिसि बड़दा को पाखरे सुंदर गीतटी गाइतला से झियटी एटा होछि से पानी रो महत्व आमे बहुत गुरु भाई भाबो जे आमे बहुत दिन हलाने दीक्षा नेलुनी किंतु हमर काई त किछ परिवर्तन होउ नै काई त हमर किछ मिराकल होउ नै हमर के घर टंका पैसा घर द्वार बिल्डिंग त काई होउ नै बहुत गुरु भाई मानक मन भीतर एटा ही संदेह होथाय बहुत गुरु भाई एथि पाई लोभ पाई ही ठाकुर को छाडी दियो से दिन दीडा भिकारी से बुढ़िया बोलुथिले बुलु बुलु हटात से आसी जते बेले एहि सत्संग चली थाय भिकारी मानक गुरे चिंता थाय कि हमरे खाइबा मिलबो हमरे खाइ नै कि जीवा दीक्षा कथा सत्संग कथा ताकर एते मन रे थाय नै से दिन से दी जन भिकारी से चिंता करिसथि आसी केना सत्संग बाहर बसछथि सत्संग रे ऋतिक दादा जागरण करछथि ऋतिक दादा जाजन करछथि जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रन कर दीक्षा रहबो तार दुख दूर होई जबो एई वाटा से भिकारी मानक दुई जनका भितरे प्रवेश करियाला से स्त्री भिकारी टी कहउछि तू एटे सुनो ए जे से ऋतिक दादा जाजन करछथि जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रन कर दीक्षा रहबो तार दुख दूर होई जबो हमें अब केते दिन भिक मांगिबा हमें टिके जदि टिके दीक्षा नै जाते ताहाले हमर तो दुख दूर होई जांदा एई कथाटी से दुई जन से भिकारी मानक मन भितरे जागृत हला जेतेबे पुरुष ता हस्बैंड कहउछन्ति ठीक अछि आमे दीक्षा नै जिवा जदि हमर दुख दूर हेइबो केते दिन आ भिख मागिबा आमे जदि दीक्षा नेला हमर दुख दूर हेइबो कठाबाडी करबा घर द्वार करबा गाडी घोडा करबा ताने आमे नेबा दीक्षा नै जिवा असुविधा कोन अछि जहां कहबे रीति दादा ताहा करबा तो जा भी हो उस माने सत्संग सरी छि से खुजु छथि के से तो जानि नथि रीति ना अभर्जना करबी ना के कोन से तो जानि नथि तेन से भाई मान को पचारथि भाई सेठी बने ठियाई कि जाजन करथले जे जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रन को दीक्षा नबो तार दुख दूर हि जो से जने के से गुरु भाई जन को कहउ छथि से हो छथि हमर दीक्षा दाता रीति से तो कहि हमें भी दीक्षा नबा से कहले काहे कि दीक्षा नबो कहले नै से रीति दादा कहले परा जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रन को दीक्षा नबो तार दुख दूर हि सेथि भाई हमें दीक्षा नबा ए कथाटी कहले ठीक अछि चलो से बसम रीति दादा को डाकु छी रीति दादा से रीति दादा पुनर्बार प्रश्न करछन से दि जन भिकारी कहजे दादा आपण जे जाजन करूथले जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रनकर दीक्षा नबो दुख दूर हिजबो एटा कोन सत रीति दादा कहजे ठाकुरनकर विधान जे कंटाई कंटाई पालन करबो 100 काहे कि 200% गारंटी अछि जे से उन्नति करबो हि करबो से कहले ठीक अछि हम विधान पालन करबो तो कहे दीक्षा हमको दे दे दीक्षा नेला पर ऋतिक दादा विधान कर प्रथम क्लास रो पाठ जे दीक्षा नहीं प्रथम क्लास पाठ हम प्रथम क्लास रो पाठ कर मेन मेकिंग फैक्ट्री शिशि ठाकुर को जो सत्संग हो मेन मेकिंग फैक्ट्री मनीष तैयारी कारखाना मनीष केमिति तैयारी हो सेटा हो कारखाना ते प्रथम क्लास रो पाठ कर ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा एटा वेद रे भी अछि ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले भगवान को आशीर्वाद मिले रूप वेद रे लिखा है तो वेद रे लिखा है जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठे ठाकुर सेटा कहि देले तापर कोन करबा इष्ट बुद्धि देबा तापर नाम ध्यान करबा तापर कोन करबा नाम ध्यान करला पर प्रार्थना टाइम हे जीवो प्रार्थना करबा ठाकुरंकर किछि बही पाठ करबा थालकुडी पत्र सेवन करबा व्यायाम करबा व्यायाम करि सारला पर किछि जदि ठाकुरंकर विभिन्न प्रकार बही अछि ताकु पालन करबा एटा जे दीक्षा लिए एटा को सब दिन पालन करे जे एटा करे ना ता जीवन से ठकै होउ छी नीचे ठकु छी ठाकुरों को ठकुनी से नीचे ठकै होउ छी एई कामटा जे प्रत्येक दिन करू नाही से जीवन रे नीचे केबे निजो को नीचे ठकै होउ छी तेणु जो मैंने दीक्षा नहीं प्रथम क्लास पाठ जिते द्वितीय क्लास मैं स्वस्थ नहीं सदाचार रहा आने बहुत अच्छे नियम नहीं थे तो ऋतिक दादा ये कथा से दु जन भिकारी को बुझेदे दु जन भिकारी गले सारे कंटिन्यू 5 वर्ष कले 5 वर्ष पर स्वामी भिकारी कहते हैं प्रत्येक दिन इष्टभूति दूसरे इष्टभूति गुड़ाक जाऊँ ठाकुर पाखु पावना हिमायत से सब खाऊंट आम से इष्टभूति आवानी कहीं आम किसी उन्नति है कहीं इष्टभूति दवा से स्वामी भिकारी का कहूँ आम आउ का इष्टभूति बंद से स्त्री टाइम कहते ठीक कथ आम कहते भिकोही मास 5 वर्ष होगा ठाकुर कथा अनुसार आम प्रत्येक कर्म करपुर भी आम किसी परिवर्तन हो स्वामी कहते ठीक अच्छे तक कम करवा का सब पैसा का ठाकुर को मागिका नहीं आस इष्टभूति जितकी टाँचा आम दे कथा चिंता कर बाहर पावना हिमायतपुर से दु जन जाक भिकारी जे ठाकुर आम सबको पैसा गुड़ाक मागिका आने ठाकुर तो अंतर्जामी परम पूज्यपाद शिशु बड़दा को कहते ठाकुर जे यक्तिर जहाँ जहाँ टाँचा अच्छे इष्टभूति पैसा सब गुड़ाक हिसाब किताब करना आते दि से तो कंप्यूटर सिस्टम ना रजिस्टर में लिखा होता परम पूज्यपाद बड़दा गोटे दिन लगेगा से गुड़ाक सब हिसाब किताब कर बांधि शिशु ठाकुर पाखे देदे तार दिन आसे दिज जाक भिकारी
ठाकुरंको प्रणाम करछन्ती जेतले प्रणाम करछन्ती संगे संगे गुठरीटा धरिकना देई दिसन्ती ठाकुर से दिनन भिखारी माने आश्चर्य होतनी अरे हमे तो किछि कहिनि ठाकुर केमते पैसा उठा काम तो देई दउछन्ती से मां भिखारी के कहूछि ने ठाकुर अंतर्जामी हेथिले नले ये जानले केमते हम पैसाटा दे देले पुरुष स्वामी डी कहूछि ना ना ये सब गुणीकार के सब जानिथिले किनिया किनिया जानिथिले जादू मंडप एटा हम कोन जाउछि हमर तो किछि उन्नति हेनी हमर पैसा धरिथिले हला हमे चल चलिबा चल पैसा लेकिना से पैसा उठा के धले चलिकना आसु ठाकुर कहू जदी तुम गोटे मोर गुटे शेष कथ मानव से कह ठाकुर कहतु कह तुम ये जो इष्टभूति पैसा गुडाक नहीं जाऊ एगुड़ा दीटा बिस्कुट पकेट किन कूकर मान को खाया दब भिकारी मैंने शुणी ब्राह्मण मैंने कहते कूकर गाई छेड़ी बाकुआ मान को खाई देते ग्रह दुख विपत्ति चली जाए से भी चिंता कले कल गाई को खाई देते आम ग्रह दुख विपत्ति कड़ी ठीक अच्छे दीटा तो बिस्कुट पकेट किणवा दीटा बिस्कुट पकेट किणने कूकर को खाया दे प्रथम कूकर को खाया दूसरे से कूकर गुडाक मरीगले द्वितीय कुकुर को जते खाइबे से भी कुकुर मरि गलो तृतीय कुकुर मरिला बेले को गांर लोक माने दौड़ेले सन पिटवा पाई बोले ए सब भिकारी माने विश्व देकर कुकुर आ को मारु छन से प्राण विकल में दौड़ी छन आश्रम भीतर से दी डंडा को भिकारी ठाकुर को पाद तर पछि बोले ठाकुर हम को बचा तो गांर लोक पिटवा पाई दौड़ी छन बोले काई के नहीं अपन कहि तो से इष्टमूर्ति पैसा रे बिस्कुट किनवा पाई और बिस्कुट किनि ना कुकुर को खाइबे रे कुकुर ओडा मरि गलो आ सेई पे सने भाबिले जे हमें विष देकर कुकुर आ को मारु छु सेई पे हम को मारिया पे दौड़ेले हम दौड़ी के आसी किना इठी अपन को पाछे दिए रक्षा पाई बोली दौड़ी के आसी छु पर हो ठीक अछि बस किछ दिन बसिला परे से पुरुष अधिकारी की ठाकुर को प्रश्न करू छु बोले ठाकुर ए कुकुर अपना मले कह के एटा को ठाकुर कहू जने तुम्हें जो प्रत्येक दिन इष्टभूति दियो ए इष्टभूति रे तुम्हारा पूर्व जन्म रो ग्रह दुख विपत्ति रिष्ट सब खंडन हो आ ए रिष्टटा कुकुर मुह को वाला तेणु तुम रिष्ट खाइबा जो से कुकुर की मृत्यु बढ़ा कहे ठीक अच्छे जदि रिष्ट खंडन हुए ये कुकुर को आम बिस्कुट दलु से मध्यम तार रिष्टा खंडन हो कहीं आम तो रिष्ट खंडन हो आम तो भिकारी को भिकारी रहीगल से ठाकुर से भिकारी मान प्रश्न करें तुम्हें कते वर्ष होगा देखा मेल पांच वर्ष होगा देखा मेल पांच वर्ष भितर तुम स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हो कि नहीं झगड़ा है आगे होता हूँ कहीं पांच वर्ष भितर झगड़ा है नहीं ऋतिक दादा हमको कही मो स्त्री को प्रत्येक दिन सकाल सन्ध्या स्वामी को प्रणाम करूँ मो स्त्री मत प्रणाम कै मुझे रागि भी थाए रागि पारे ना तेणु आम पांच वर्ष होगा झगड़ा है ठीक अच्छे तुम खाइबार पांच वर्ष भितर अभाव नहीं ठाकुर आगे तो बहुत अकाल होता है के न खाई आम भिख माग माग शु पड़ू कि पांच वर्ष भितर आम घर एना तीन मस खाद्य स्टक रही सीटा भी बुझेगला कह तुम अकाल किसी रोग व्याग व्याधि किसी कि से भिकारी मैंने कहते आम सागर जो मैंने भिक मारूल से भितर किसी मरी भी जाइए तुम कहीं रोग है कहें ऋतिक दादा हमको कही सदाचार विषय आम जब भिक मागि आसू लुगापटा बाहर रखीद पुणी भल गाधे फाधे घर भितर पशु पुणे सदाचार मेन्टेनान्स कर पुणी आउ थे तार बाहर भिक मागे आम रोग कौटी हम कह तुम कमी पर नहीं तुम्हें कौ पांच वर्ष भितर दी जन भिकारी कांदि पकेले ठाकुर एटा तो सत कथा आम एत कथ भावि नदी भे कांदा आरंभ कले ठाकुर आपं इष्टभूति पैसा नहीं जातु आम आज आउ थ इष्टभूति आरंभ करवा यही हूँ शिशी ठाकुर आम निज हृदबोध करना जो दिन दीक्षा ना आर दिन ठार्ज किसी वर्ष दीक्षा नाला बीती जाइए आम जब पूर्व कथ मन पकेवा निहाती मन पकेवा जे आम को अवस्था थी आम को अवस्था बर्तमान अच्छे यही हूँ शिशी ठाकुर इष्टभूति कथा इष्टभूति पांचटा महाजज्ञ इष्टभूति वार्ड का डिक्सनारी ना ठाकुर यहाँ देखते इष्टभूति आगुरी थी जितेबाला रामचंद्र श्रीकृष्ण पांडव मैंने से ब्रह्मचर्य पालन करुले से गुरु आश्रम को कते वर्ष गुरु आश्रम को जाते बार वर्ष राम केत वर्ष गुरु आश्रम को बार वर्ष श्रीकृष्ण के बार वर्ष दीक्षा केत वर्ष ठाकुर बार वर्ष जो दीक्षा केवे नब बार वर्ष दीक्षा नब तो जो दिन सी दीक्षा दिए तार पांचटा महाजज्ञ कहे कौन पांचटा महाजज्ञ जे पितृज्ञ मातृज्ञ भूज्ञ नृज्ञ एवं देवज्ञ देवज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ मातृज्ञ भूज्ञ और नृज्ञ ये पांचटा महाजज्ञ से करे तार ये जो पांचटा महाजज्ञ करे ये पांचटा महाजज्ञ कौन आगु ना आगु भी थी कि ठाकुर या सिस्टमेटिक करदे ऋग वेद लिखाई जे प्रत्येक दिन जे देव पूजा करे, निजर परिवार भरण पोषण दायित्व निए एवं समाज किसी मंगल काम करे, गाई गोरु छेली मेढ़ार जत्न निए गछपत्र जत्न निए से प्रभु को प्रत्येक दिन दिए ऋग्वेद लिखाई
ठाकुर ताकु सिस्टमेटिक कर देले कोन कले देवयज्ञ देवता मान को गुरु को देले देवता माने भी पांती गुरु को देले ऋषि माने भी पांती आ गुरु को जेवा में इष्टमूर्ति दउचो तीन पुरुष मातृ एवं पितृ पुरुष तीन पुरुष पर्यंत से माने खाद्य पांती प्रत्येक दिन माने हम जे बसरे श्राद्ध कर्म करू बसरे थरे खाइबा पाइ दउ कि इष्टमूर्ति माध्यम रे हम निज बापा मा प्रत्येक दिन हम पाकु भोग पांती का माध्यम रे गुरु को माध्यम ताने देवता माने पांती ऋषि माने पांती ऋषि माने मो जति आत्रेय रत मो ऋषि हला आत्रेय ऋषि तांकर जे पूर्वज माने ए माने पांती आ ऋषि प्रतिमा के ऋतिक दादा माने एई समस्ते हम पाकु पांती तापरे कोन तापरे नुरुजग नुरु माने अतिथि देव हो अतिथि मानकर सेवा करबा इष्टभूति माध्यम रे आ गुरुजग माने गाय गुरु छेली मेढा मानकर सब देवा ताने ए पांचटा महायज्ञ इष्टभूति माध्यम रे हम प्रत्येक दिन करू ए जो माने गुरु को न दियंती गीता रे लिखा है छि से जरर भक्षण करंती विष्टा खांती लिखा है छि ना गीता रे ए पानी पवन आकाश ए सब कहार भगवानंकर जेते बेले कोरोना हेतला ऑक्सीजन पई 20 लाख 30 लाख रे लोक बंची परले नै ऑक्सीजन मिलला नै ए पवन ता तो ऑक्सीजन ता तनो आमे प्रत्येक दिन गुरु को से ऑक्सीजन पई दउ छे से आलोक पई दउ छे से पानी पई दउ छे इष्टभूति माध्यम रे देखंतो केते पुण्य रो कथा इष्टभूति सेइति पई तो सेइदिन पार्वती पचारले जे प्रभु ए संसार रे 33 कोटि देवा देबी मु कहा को ए मनुष्य माने कहा को पूजा करबे स्वयं पार्वती शिवम को पचारी थिले रूप वेद रे स्कंद पुराण रे गुरु गीता रे एटा ए जिंसटा लिखा हिचि जे सेते बेले शिव कहउछन्ति जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः रूप वेद रे लिखा हिचि एटा हम समस्त जानि छि सेदिन शिव पार्वती को एक कथा बुझैथिले जे गुरु को देले समस्त पांच विश्व ब्रह्मांड रे जत्ते 33 कोटि देवा देवी अछन्ति समस्त पांच पूर्ण पार्वती पचार चंदी जे मु कहा को माने पूजा कर कहार मंत्र जप करबी सेते बेले शिव बोलती दे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम गुरु जहा कहबे मंत्र सहित समान एटा रूप वेद रे लिखा हिचि ताले हमको मंत्र पाई छे के दै छथि गुरु दै छथि हम समस्त जानि छै जे माने चारटी अक्षर मंत्र पाई छथि पुनर्बार पचार चंदी भागवत पार्वती ताले मुख्य केमिति मिलबो ब्रह्मा अछन्ति विष्णु अछन्ति आपण तो स्वयं प्रभु एते बड़ ताने मोक्षम केमिति मिलबो सेठे पूर्ण रूप बेदर लखा छि मोक्षम मूलम गुरु कृपा कृपा माने ठाकुर कोन कले करे पावा जे कहिबो से पाइबो जे न करिबो से ठकै जइबो ताने वेद रे भी गुरु को देले आ 33 कोटि देना देबी अछन्ति आमे उपवास करू छे व्रत करू छे मंत्र तंत्र सब करू छे बुद्ध देव आसीले बुद्ध देव 10 दिन भोकरे रहिके तपस्या करले तापरे आमे को कहले भोकरे आ तपस्या करी हबनी मा माने भोकरे रहिके उपवास करथुनी बुद्ध देव ठाकुर हा से तो सेदिन सिखाई देला ना उपवास का केमिति करा जाय ठाकुर सिखाई दे छथि 12टा पूर्व रु खियाइबो एक ओळी ठाकुर सिखाई देले ठाकुर को विधान पालन करथु दिन गटा 4 दिन 5 दिन 7 दिन उपवास रहि गेला व्रत करथु छथि बुद्ध देव निजे भगवान हि गेला सेदिन सिखाई देले 10 दिन उपवास रहि गेला से कोनोसी भगवान को पाई हबनी बोली कहिले 10 दिन परे खाद्य खाइले सेदिन जगदम्बा ऋषि सेदिन मंत्र तंत्र द्वारा बोले सुंदर मंत्र तंत्र रे बहुत लोग विश्वास करंती जगदम्बा ऋषि से तपस्या रे रत से रामचंद्रंकर वंशज परशुरामंकर पिता से तपस्या रे केते बड़ ऋषि से ताको स्त्री कहले मु खीरोटा बसई के पानी आनिबा पई जाउची आपण टिके खीरोटा देखि देबे जेतेबे ताको स्त्री कलसी रे पानी नै किना आस्थदी खीरो उतरी किना ठक ठक पडुची आ जगदम्बा ऋषि मंत्र बाण मारुचंती वायु बाण पानी बाण ए सब बाण मारुचंती खीरो उतरीबा पई लागिसि ताको स्त्री दूर जेतेबे देखि देले दौड़ी आसी करी सेई ठंडा पानी टिकु ढाळि देले खीरो रे जगदम्बा ऋषि आश्चर्य होई गेले कहले अरे मो ए कथाटा मो मुंडा भितरे पसला नै मु त बाण मारुची ए बाण किछ मोर काम करले नै मो स्त्री पानी टा पकाई देला सेठ रहिला ठाकुर सरल भावे सेई कथा विधान दैछंती तंत्र मंत्र को छाड़ी परिवार भितर स्वामी स्त्री संपर्क केमिति हेबो पिता पुत्र संपर्क केमिति हेबो भाई भाई भितर केमिति संपर्क हेबो एही जिनिसटा शिशि ठाकुर सिखैछन्ति सेही दिन गोटे कथा मारबे सात शिशि ठाकुर केमिति विचारधारा चिंता करले बनामा से पावना हिमायतपुर रे कदळी गछ चाष करथिले जेतेबे कदळी गछ चाष करथिले बनामा से दिने कोन हेइ जे ठाकुर पाखरे निवेदन कले जे कदळीटा जो हेइ जे कांडीटा ए कदळीटा ठाकुर को भोगरे लगेबे एही कथाटा सेठी गच्छ सामने ठिया होकर मनासी देखते तार दिन कदली कांडीटा चोरी हो जाए ठाकुर पाख को आसिका कहते ठाकुर मुझे गोटे भगवान कदलीटा मनासी थी कि कदलीटा चोर हो जाए ठाकुर आ कि कहले से पाखे जो गुरु भाई मैंने समस्ते शुणिले
से गुरु भाई माने सुनी के ना से प्लान करले से चोरटा को रात्री आमे धरिबा से किए चोरटा नै छी सबने सब गुरु भाई माने प्लान कर जगी के ना रहिले राति 12टा परे से कदळी कांडीटा को चोरटा कोन कछि माटी खुडी के टुपी बोल के माटी खुडीबा आरंभ कर दै छी चोर माने ताको धरि देले धरि के आनी देले रूम रे बंद कर देले काहे कि रात्री रे ठाकुर को पाकु नेबे नि सुई दिबे त सकाळे ठाकुर को पाकु से चोरटी को निया दिबो त से कोन कले गुटे रूम रे बंद कर देले सकाळ हे छी ए खबर त समस्तन का भीतर फैली जाय छी समस्त जानि जाय छथि जे चोरटा को धरा हेजी शास्त्री रेबे ठाकुर ए कथाटा समस्त जानि जाय छथि तार दिन होई छी ठाकुर आसी के बस छथि चोरटी को बांधि के आनाय छी ठाकुर को पाकु ठाकुर विरक्त हो जाय त बांधि सके फुल फुलाय छी से सुशील दा ठिया आइ जांदी कष्ट दा ठिया आइ जांदी ननी दा ठिया आइ जांदी समस्त ठिया आइ जांदी सुशील दा को कहू छथि ठाकुर जे को झुडी गुरे नै के आसी जा विराट झुडी गुरे नै के आसी सुशील दा जाई छथि झुडी गुरे नै के आसी पर ना ए झुडी रे हो आउ बड़ झुडी नै के आसी बड़ झुड़ी नहीं कि माँ को मागी के ना बड़ झुड़ी नहीं कि ऐसे आने लगा है सुशील दांग को बोल दे एटी गुट्टे बहुत सारा खाद्य सब पैक करे झुड़ी रे डाली चावल नमक दे दो सब तो जिनसे एटी पैक कर दे समस्त देखी कि आज तो जाने ठाकुर ने सब की कर सुने एटा चोरटा ताको माड़ न मारी के ना दंड न दे कि ठाकुर ता पाई कोन सब डाली चावल नमक सब मगे ले ए कथा चिंता कर सुने समस्त ता पर किसी देर पर ठाकुर बोल दे अरे ताको 2000 टका दे दे सेते बेले 2000 टका माने कते कह 2000 टका ठाकुर कहि तक दे दे अरे तो घड़ीटा छि घड़ीटा भी तक दे दे तापरे सुडा काम कर ए जते जिंस अछि चावल डाले गुण सब तो गाड़ी रे नहीं के ता घरे पहुंचे अब कमळ दे दे तकिया दे दे रेजे भी दे दे जहां जे सब दे दे सब दे दे सत्संग गुरु भाई मान को खुशी फासुर आरंभ हो गेला ठाकुर तो की विचार ये तो कदळी चोर करथिला ताको हम केते कष्ट रे राती रे धरले ठाकुर देखला बेले ताको आरो उल्टा दान कर दउछु केष्टला थिया इता देखि मां माने पचार छन दादा ए ठाकुर को ये सब की विचार ता को जदे अरे ठाकुर ये शिवम को गळा देखछ ना बेकरे ए सपटा आछ से कह हां देखि से काहि कि से बेकरे से सपटा रखछन जानि छ से ना जानि अरे से सपटा ना नाग सपटा बहुत विषाक्त सप ताको जदे से बेकर छाडी दिया जाय तने संसार का ध्वंसन को दबो से बळे ए चोरटा को जदे ठाकुर न देई थांते ताले से काली आउ का घर चोरी करि थांता तेणु ठाकुर ताको कौन कले गोटे बर्ष सब देदेले देखू दस दिन पर आसी दीक्षा नब आला ये हूँ आम ठाकुर आम ठाकुर को धरी कौन पाइचे पंचानंदा कथ बक्तव्य शेष करा टाइम की गला कि पंचानंदा कथ कह पंचानंदा से दिन ठाकुर बसी था आम आम परिवर्तन कौन हो कथा कह ठाकुर को धरिकी आम कौन पाइचे पंचानंदा ठाकुर पाखे बस था बसिकिना उठिकिना हठात पलि आसते ठाकुर पचारे पंचानंदा को कड़े जाऊ पंचानंद ठाकुर मुझे मार्केट जा आनंद बजार पर किसी सब सब्जी आने सब लुण तेल डाली ये सब आने आनंद बजार सरी जा ठाकुर कहते मोपाई भल शाग नहीं आस पंचानंदा जा मार्केट को पर सांग सहित देखाई सी जन आई एस अफिसर कलेक्टर तक सहित देखाई ताको देखाई करा से कलेक्टर साहब पंचानंदा को नमस्कार करते पंचानंद कहते मुझे तो चिन्ह पारे क्या अरे तुम पूरा मो पिलादिन सान तुम्हें पूरा पंचानंद हाँ तुम नाटा नाटा कहले से कहला कहते अरे तू तो मो अपेक्षा बहुत भल पढ़ु ए आश्रम रही डालमा भात खाई पाच कौन ए छिड़ा धुतीटे पिंधिचु आई सब पिंधिक आश्रम रही कहीं देख मुझे भल पढ़ु नी आज आय सफिसर हो जाए मोर देख कठा गाड़ी घर द्वार सब अच्छे तू पाइस कौन सी आज किसी कहले आयस अफिसर सांग पंचानंदा कहले ए मोर गोटे नुआ गाड़ी कि चल तो घर छाड़ देवी तर आश्रम मो नुआ गाड़ी तुम टे बसी था कहे ठीक अच्छे चल जावा पंचानंदा आसे आयस अफिसर गोटे सांग सहित आसिकिना आयस अफिसर सांग कहे एटा देख मो घर चल टे पशिकिना जी देखे तीन तला घर गाड़ी अच्छे जिते पंचानंदा पशि जाऊँगी समय स्त्री बाहर को बाहर आस से कहते ए मोर आज गोटे क्लब मीट अच्छे मुझे तुम्हें निजे खाई नब पंचानंदा को चिन्ह ना कहीं तुम टे छिड़ा बेड़ा ड्रेस पिछे तो तुम चिन्ह पार ना हटा तो छुआ मैंने दिज बाहरी बाहर कहते बापा आज सिनेमा देखा आउ खेल गुटे अच्छे तुम्हें निजे खाई नब ना से चाकर द्वारा तुम्हें सब कई नब मुझे मोर काम राति खाई शुई पड़ थ पंचानंदा सब देखुं तापरे पंचानंदा को छाड़ा आश्रम को आश्रम रे पंचानंदा निज हाथ में गोटे मटी घर बन कूटार छावणी मटी घर बन जो पंचानंदा से उड़ी जाते सांग को कहते आम घर टे पशिकिना जाओ तांग संकोच बोध
काई की संकल्प बहुत कम चली तेरा कुटार हो अब बाटी रोका था ये भी तो पॉसिबल ताको साठ पेन मोड़ा है वो सेतेबे ताको स्त्री बाहरी के नास्ते भी पंचानंदा अंगा पंचानंदा पचास से थी कम से इधर क्या ऐसे थी ये चीज मोर प्रिय बंधु बहुत दिन पर देखा है ची संगे संग पंचानंदा को स्त्री साष्टांग प्रणाम कर चंदी प्रणाम कर सहला परे ताको स्त्री कह चंदी इतने दिन पर ताको से इधर देखा है ची माने ताको स्वामी सहित आपण ठीक आम घर पाद देत हले बहुत आमे खुशी आनंद ही था आपण आसंतु आम घर छ ताको स्त्री पाछटी आनी चंदी पंचानंदा को संग को तळे गुटे आसन बिछे किना बसेई चंदी बसे सेला परे तांकर दुई जण छुआ आसी करी से तांकर आयुष अफिसर संग को प्रणाम करी चंदी प्रणाम करी सेला परे तांकर स्त्री को जदी आपण एते दिन परे देखाई छथि टिके खाई किना हम घर जात तो बहुत आमे आनंदित रही था हमर गरीब घरे जहा टिके करतु आपण टिके खाई किना जिबे संगे संग सो रुसे पासे हे छि खाइबा पई देई छथि समस्त बसि किना केते आराम से खाई छथि खाउथवा अधा खाई छथि तांकर आयुष अफिसर संग आखिर लुह बडी जाउ छि भो भोई करे कामु छथि खाई सारला परे पंचानंद पचार छथि जे कोन हला तुमे खाइबा समय रे काहे की कामि ल सेते बे तांकर आयुष अफिसर संग जन कहउ छथि जे भाई आज पर तो मो स्त्री मते पानी गिलास देइनि मो स्त्री मते रुसेई करि आज पर तो देइनि आ मो छुआ पिला मो स्त्री रो कथा रे चालनते आ आज तो घरे मु देखुछि जे मु जते बे तो घर को प्रवेश करछि तो स्त्री मते प्रणाम कला तो छुआ पिला माने मते प्रणाम कले केते संस्कारित मु भाभी थिले जे तू ए आश्रम रे डालना भात खाइ पाउछ कोन ए जिनिसटा कोनसी यूनिवर्सिटी रे मिलबो नाही कोनसी स्कूल कॉलेज रे मिलबो नाही ए जिनिसटा सत्संग रे हमें पाई परबा से दिन से अनुताप करथले ताकर आयोजक सब संग एवं ताको दीक्षा दिया गला धीरे 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 बहुत दिन पर ताको किछिटा परिवर्तन होई छि किंतु पूर्ण मात्रा में काहे कि पूर्व जन्म रो किछि कर्म फल स्वीकृति रही थाय ए हम सदे हमर शिशि ठाकुर को धरि हमें पाई छि कोन आ गुटे कथा कोई मोर वक्तव्य शेष करबी काहे कि दादा मते अनै लेनी तण आ समय नहीं सुंदर कथा दी आपन मानक पाखरे धरिबी परम पुरुष पुरुषतन को धरले रिष्ट अनिष्ट जहा भी थाउ काटंती स्वयं इष्ट रिष्ट अनिष्ट जहा भी थाउ काटंती स्वयं इष्ट चंद्रनाथ वैद्य से ठाकुरंकर बहुत पुराणा दीक्षित चंद्रनाथ वैद्यंकर कोनोसी संतान नहीं 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष पर्यंत जेते चंद्रनाथ वैद्यंकर कोनोसी संतान नहीं ताको स्त्री कहउजंती जे हमर त एते दिन हला संतान नहीं ठाकुर तो विश्व ब्रह्मांड रो मालिक ताको टिके तुम्हें निवेदन कले होता नहीं एई कथाटा ताको स्त्री कहउजंती जेते ताको स्त्री एई कथाटी कहउजंती चंद्रनाथ वैद्य कहउजंती ठाकुर तो अंतर जाबे मु कहिबी कोन देले भलो कथा न देले नहीं एई कथाटा ताको स्वामी कहउजंती ए बुढ़िया किसी दिन पर काम करू करू हटात चंद्रनाथ वैद्य को शिशि ठाकुर डाकी जंदे चंद्रनाथ वैद्य को कहू जंदे अरे तुमर गोटे झियो आ पुओ हो ताको स्त्री चंद्रनाथ वैद्य आश्चर्य होई जंदे हम तो गोटे भी संतान नहीं ठाकुर आशीर्वाद कहू जंदे तुमर गोटे झियो एवं पुओ हो दीटा आशीर्वाद एक कथा दे देले ठाकुर तेते ठाकुर ए दीटा आशीर्वाद रे सन बहुत आनंदित होई जंदे वर्ष परे तांकर गोटे पुत्र संतान होई छि पुत्र संतान हला परे जातक तयारी होई छि से जातक तेरे तार भी गंडा दस पांच मास भीतर मृत्यु कर ठाकुर जी निराश हो छथि जातक तैयारी करी साला परे चंद्रनाथ वैद्य निराश हो जाई छथि ठीक ते मु ठाकुर को पाक जेबी ठाकुर को पाक जाई छथि ठाकुर को पाक जाई ए सब कथा ज्योतिषर कथा कहि छथि जेते बेले ज्योतिषर कथा कहि छथि चंद्रनाथ वैद्य को ठाकुर को जदे तुम पुओ सिंह राशि रे जन्म कदापि मृत्यु वरण हबो नै अल्पाय हबो नै साहस आसी जाइए चंद्रनाथ वैद्य भितर कहीं से पूर्ण मात्रा में समर्पित ठाकुर प्रत्येक कथा से पालन करती नियम नीति तेणु सी पूर्ण मात्रा जेहे समर्पित तेणु सी दिन चिंता करे ठाकुर कहते मैं मो पुओर किसी हेनी पुओर जो चारिमास चलती देह में हाड़पुटी मेलमेला चलती आ समय हाड़पुटी मेलमेला बहुत लोग मरी जाती आई समय पुओर भी हाड़पुटी मेलमेला चारिमास जिते बे एलोपाथी औषध दे कि कौन सी प्रकार ठीक है नहीं चंद्रनाथ वैद्यंकर संतान ठाकुर को चिठी लिखी ठाकुर को जिते बे चिठी लिखी ठाकुर को जब होमिओपाथी औषध यूज कर रक्त चंदन देह में लगे आटे कि मानते व्यवहार कर एलोपाथी मोटे व्यवहार कर चिठीटा जिते चंद्रनाथ वैद्य पाई पाइला से कहे होमिओपाथी डॉक्टर ये पाखापाखी रेंगुन सहर में कहीं नहांती मुझे कौन होमिओपाथी डॉक्टर कलिकता छड़ा कौन से होमिओपाथी डॉक्टर मिले भी नहीं दि दिन बीती जाइए हटात दिने आसी बुलू बुलू जो होमिओपाथी डॉक्टर आसिकना घरे पहुंची
tapi kau jadi, ya apa kok gara ini sulit nih, banyak berdua dan sisu murtu barang kau jadi hari jam beli beli aja. Apa kok hari ini suara hari ini sulit nih? Cetera mau hari ini apa nih? Mungkin hamil pati dokter. Thakur tuh hamil pati kapan lagi jadi, tapi pas itu nih jadi dokter itu. Abah Thakur jauh usus lagi dulu, hamil pati dokter sih dokter cendana lo gundo, emang hamil pati si tablet sulit jadi botika. Cetera botika sulit jadi. Emang sih aku kue jadi, kue lah kore kita tuh sisu kono sih prakar tidak ini. Jadinya hatta atau sikri kandu cantik Chandranath Boyda. Chandranath Boyda kandi kandi kau jadi Thakur, mau kuoda kau mau bonci bani, bapak mau cuci galan di bapak mau nolai. Ini kau sendiri tidak mau mana bahu cantik, si semua ini hatta Thak sokna dagu cantik Chandranath Boyda, kandi kandi Chandranath Boyda sri bodi cantik, emang sokna dagu cantik Thakur tangga berbuah cantik. Gute pada tole emang gute pada khatau prerokhi kena, citkar kau sisi Thakur kau jadi, dekhiwi, ke santanti kau kiri jibo. Emiti citkar kali tini thar sisi Thakur gorjan kali kau jadi. Chandranath Boyda thar akhi, but, mana, aneh ini jadi. Sui dulu, ceta asih ini cik. Itu berarti Chandranath ceta ini kau jadi. Aree ini tuh kehi nai. Ita ini tadi berarti sokno ada. Eka kata kahari ku kehi nanti. Ta ada dino, sabu Rangoon saudara guru bhai mana, semua sudah suni le. Jadi Chandranath Boyda thar pura dewa bahu dosusto. Eka kata ini tadi berarti suni le, tanpa goroku, semua sudah Rangoon saudara loko mana asih le. Tangkoro, Priyo Sango, jadi bodoh officer, siapa yang suni kena hasilnya? Hasilnya pola, si Chandranath Boyda itu si bondu, itu mau cuaca itu nakilo, cuaca nadi cari cikirin, jadi kena jadi pola jatuh jadi, kita cuaca frontire, air goluni, kita khadja goluni, nadi boleh dire-dire cari cik. Sangat-sangat doktor ku dakai jadi, doktor kita tangkoro jadi bondu Chandranath Boyda tangkoro, tak ku dakai jadi, doktor asih kena, si declaration deh jadi, jadi 2 jam pola, kuat murtu barang kariu. Takut kehi bukan cewek pribadi na. Mana dukkhoi deh cie, ini kata suni Chandranath Boyda kalau istri kocadi ini kan kalau acer teri pergi jadi sendiri. Puar umur tuh apa? Ini kata suni kehi suai pribadi na. Dukkha tan kalau bidre susuti jadi cie. Tapi Chandranath Boyda siapa kisi cinta kalau pribadi nanti pagol beri apa? Ini jadi sendiri. Tapi polisi sendiri doktor ini declare beri kena jadi cie puar dia mori juga beri kena polisi sendiri. Tapi hatta पूर्ण तांगो बंधु को जब देख रहे थे कि नाड़ी का चाली चीज़ नहीं पर नहीं इन्हें तो किसी चालू नहीं जोना करूं नहीं बदले पूरा मोरी है चीज़ तो ये तो डिक्लार किए करो बदले पूरा मृत्यु ने जीवित हो पूर्ण से डॉक्टर को डाकी पढ़ी चंदे जब तक किसी गुरु भाई डाकी आप जाए चंदे से डॉक्टर को चंदे मो बंधुरो सेते बड़े कर हार्ट ठीक चल ची, लॉन्ग स्टिक चल ची, फुसफुस ठीक चल ची, अस्तु जो ये चलने चाहिए डॉक्टर। तबरे आखिर सेते बड़े डॉक्टर ने मिटमिट करो ची, तबरे सेठी ने कुआं कुआं रापो करी ची, सेते बड़े गुरु भाई बने जो वासी बसी चले से खोटा चाली पकड़े, बंदे पुरुषोत्तम धोनी रे पूरा भाव भाई कितना कांडिशन थी ये हो चुकी सिसु ठाकुर तांको मोहर थरे बाहरी गले से कथा का निहार थी लोग इतने बहुत कथा रही थी कथा कहले सॉरी वाले अभी वो समय बहुत सर्पो इतने उपस्थित हो भर उपस्थित हो समस्त का पंचम हाथ जीवन इष्ट बुद्ध समस्त शांति स्वस्थ रहावे जीवन जापन कर दो इष्टम कर कामो ठीक भाव रे कर दो निजो परिवार तक सुरक्षा रे रखंतु एवं से परिवार के को केमिति ठीक भाव रे चलेबे सेटा पे आपन माने समस्त चिंता करंतु देखिबे आपन बंचिबे आपन को परिवार बंचिबो आपन को जेनेरेशन टू जेनेरेशन बंचिबो आ आजिर सभ्यता जो चली छि जदि हमें सेई सभ्यता को फॉलो करबा देखिबे हमें तो करबा हम छुआ पिला को नरक को ले जिबा तेनो हमें जदि बंचिबा पई चाहो ताकर विधान पालन करिया पई पड़िबो हमें ठाकुर को पछरे दौड़िबा ने हमें ताकर विधान पछरे दौड़ि हमें जे ताकर विधान के प्रत्येक के मनुष्य जे ताकर जीवन चरित्र रे करे ताने तान ठाकुर जहां चाहि चंदी ता पूर्ण हो एति कोई मोर वक्तव्य से सूची आंतरिक राय मु जय जय